पर आज बात हो रही है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की। याद रखिए, चुनाव यानी मतदान का दिन करीब आ रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही इस घमासान का आगाज होने वाला है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर, इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर सियासी बवाल तमाम पार्टियां छेड़ रही हैं। आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में उसी मुस्लिम मतदाता के मन में झांकने की कोशिश करेंगे, उसकी नजर में किसकी लोकप्रियता में उछाल, किसकी लोकप्रियता में गिरावट, ये जानने की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वारिस पठान साहब, AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर MH खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। BSP के प्रवक्ता संजय कुमार जी, सोशियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर CSDS के, जिन्होंने ये आंकड़े हमें दिए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जो कि प्रवक्ता हैं RLD के, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए साधना भारती जी जुड़ गई हैं। आप लोग भी अब ध्यान से इन आंकड़ों को देखिएगा और जनता भी देखेगी कि आखिर इस 18 से 19% जो मुस्लिम मतदाता है उस पर तमाम पार्टियां कैसे नजर साधती हैं, लेकिन क्या कहता है आंकड़ों का इतिहास। तो आइए करते हैं शुरुआत, और शुरुआत हम इसीलिए कर रहे हैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं कि यूपी में मुस्लिम वोटरों का बही खाता आखिर क्या है। 2012 में कांग्रेस पार्टी को 16% वोट मिले थे, जो गिरकर 2017 में जब योगी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो सिर्फ 6% मुस्लिमों ने वोट किया था कांग्रेस पार्टी के लिए। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए सुधांशु जी, 2012 में 7% और 2017 में सिर्फ 1%, 1% मुस्लिमों ने आपको वोट दिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। BSP, MH खान साहब, 20% वोट आपको 2012 में मिला था जब अखिलेश की सरकार बनी थी, और 2017 में आपको मिले 17% मुसलमानों के वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर मामला आता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि बम्पर परफॉर्मेंस रही थी 2012 जब उनकी सरकार बनी, उसके भी मुकाबले 2017 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही। 12 में 37% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गए, तो 64% वोट 2017 में समाजवादी पार्टी को गए। ध्रुवीकरण साफ दिखाई देता है, बीजेपी एक तरफ जिनको मुस्लिमों ने नकार दिया, वहीं समाजवादी पार्टी को 2017 में काफी वोट मिले। 2012 में 20% अन्य को, 12% 2017 में अन्य को। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे अवध की तरफ। अवध पर चर्चा जल्दी से कर लेते हैं, दिखाते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले अवध में जब आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो 3% 2012 में, जो कि बढ़कर 2017 में 14% हुआ। ये अवध में मुस्लिम मतदाताओं का देखिए 3% और 14%। अब बीजेपी दिखाइए, फिर देखिए सुधांशु जी, यहां एक बार फिर फिसड्डी, 4% 3% अवध में यह हाल रहा आपका। बीएसपी दिखाइए इसके बाद, 24 और 4 घट गया अवध में आपकी परफॉर्मेंस खान साहब, अवध में मुस्लिम मतदाताओं में गिर गई 2017 में, आप 4% पर अटक गए। समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई, हालांकि वो सत्ता से बेदखल हो गए। सत्ता में जब आए तो 42% ने ही अवध में दिया था, लेकिन 48% ने 2017 में उनको दिया जब वो सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। अन्य पर आइए, 27 से यह आंकड़ा 31 तक पहुंचा, यानी किसी और पार्टी को समाजवादी को छोड़कर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस अन्य ने किया। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं पूर्वांचल में क्या है बही खाता मुस्लिम वोटरों का। पूर्वांचल पर बहुत जोर दे रहे हैं सब, एक तरफ अखिलेश यादव का गठबंधन है छोटे दलों के साथ, कांग्रेस पार्टी 7% 2012, 2017 में 27%। अब दिखा दीजिए बीजेपी, एक बार फिर फिसड्डी समझिए, डबल डिजिट नहीं छू पाए सुधांशु जी, 9% पूर्वांचल में भी रह गए। बीएसपी 30% और 29%, 1% घटा 2017 में, लेकिन समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में भी मुस्लिमों ने कम वोट दिया। समाजवादी पार्टी का दिखाइए, 41% वो थे जब वो सत्ता में 2012 में आए, और 2017 में 33% पर वो रुके। अन्य को 13 और 3, ये समाजवादी पार्टी का आंकड़ा है पूर्वांचल का। दो आंकड़े हमारे आपको बहुत दिलचस्प दिखाएंगे जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये देखिए अन्य का 13 और 3, ये पूर्वांचल में मुस्लिम वोटरों का रुझान रहा अन्य के लिए। चलिए अब जल्दी से हम दिखाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश का।
पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता का क्या रुझान रहा, किसके लिए उन्होंने वोट दिया, 2002 से लेकर 2017 तक हम दिखाएंगे आपको। कांग्रेस पार्टी 10, 14, 18, 19 थोड़ा सा इजाफा होता रहा लेकिन वो बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, और 10% जहां 2002 में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला था, 2007 में 14%, 2012 में 18% और 2017 में 19%। सबसे पहले हम आपको अब दिखा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोट मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने किसको किया। ये देखिए आपके सामने आ गया, सबका स्क्रीन देख लीजिए। समाजवादी पार्टी 53 पहले 2002 में, फिर 2007 में 47, 39 12 में और 45 सबसे ज्यादा 2002 में और उसके बाद 2017 में आप देख रहे हैं। बीएसपी का देखिए 11%, 17, 20 और 19। बीजेपी एक बार फिर फिसल दी, 3, 2, 7, 5 ये रहा इनका हिसाब। अन्य को 23, 20, 16, 12% ये हम वोट परसेंटेज आपको बता रहे हैं। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर मुस्लिम वोटों के लिए इतनी लड़ाई क्यों होती है, इसकी वजह आखिर क्या है, मुस्लिम बहुल कितनी सीटें हैं जिसकी वजह से इस तरह से मारामारी छिड़ती है। मुस्लिम बहुल सीटें कुल 143 है, जिन सीटों पर 35% से ज्यादा आबादी है वो अब हम आपको बताएंगे। ऐसी 44 सीटें हैं, अगला आंकड़ा दिखाइए, ये देखिए आपके सामने आ गया, ये देखिए 35% से ज्यादा आबादी जिन सीटों पर मुस्लिमों की है ऐसी 44 सीटें हैं, 25 से 34% आबादी वाली 59 सीटें और 94 सीटें हैं जहां पर 15 से लेकर 24% उनकी आबादी है। कुछ ऐसी सीटें जहां पर 50% से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, पलटिए पन्ना जल्दी से दिखाइए हमारे दर्शकों को। ऐसी सीटें जहां पर 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, सबसे पहले रामपुर 65.4%, संभल 62.1%, चमरौआ रामपुर में 59.1%, 55.6%, कैराना में जहां पर पहले समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उतारा था, वो हिरासत में ले लिए गए, अब खबर है कि उनकी बहन इकरा हसन को दिया जा सकता है, अभी फैसला नहीं आया है। स्वार देखिए, स्वार सीट में देखिए 55.5, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अमरोहा, अमरोहा में 54.7, भोजपुरा में बरेली में है 54.8, कुंदरकी मुरादाबाद में 55.4, नगीना में 53.3, शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर में 53.1 और मुरादाबाद नगर में 51.5।